राम राम मित्रों, पहले तो आप सब इस वीडियो को देखने आए तो आप सभी का हृदय से धन्यवाद। देखिए, मैं आपका मित्र पंडित वशिष्ठ शास्त्री आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ हमारे हाथ में भाग्य रेखा कहाँ होती है, हृदय रेखा कहाँ होती है, जीवन रेखा कहाँ होती है, मानस रेखा कहाँ होती है और धन की रेखा कहाँ होती है, हमारे भाग्य में धन कितना रहेगा, हमारी आयु कितनी रहेगी आदि सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए, समय अधिक हो रहा है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो आपको रेखा दिख रही है इसका नाम है जीवन रेखा। देखिए, कुछ भी जब शुरुआत होता है तो हमारे जीवन से शुरुआत होता है। जीवन कितना रहेगा, आयु कितनी रहेगी, इससे निर्धारित होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी हृदय रेखा है वो भी निर्धारित करती है कि हमारा जीवन कितना होगा। क्योंकि कहते हैं आयु, कर्म, वित्त, ये सब हमारा पूर्व निर्धारित आता है। ब्रह्मा जी हमारे जन्म से पहले ही ये सब लिख देते हैं। हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी हमारे साथ आते हैं, उन कर्मों के हिसाब से ही यहाँ पर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी जीवन रेखा है वो किस प्रकार की है आप अपने हाथ में देख सकते हैं, अपना हाथ आगे करें और जीवन रेखा यदि अंगुष्ठ के नीचे से निकलकर सीधा मणिबंध तक जा रही है तो ये रेखा इतनी उत्तम नहीं है, ये मध्य जीवन रेखा है। यदि गुरु पर्वत के नीचे से निकल जीवन रेखा सीधी नीचे तक आए तो ये उत्तम जीवन रेखा है। ऐसे पूर्ण जीवन वाले व्यक्ति होते हैं, पूरी 100 वर्ष की इनकी आयु होती है और सभी सुखों को भोगते हैं। और उसी के साथ साथ यदि सफ़ेद बिंदु इस पर है तो बहुत ही सुखमय उनका जीवन बीतने वाला है। और उसी के साथ साथ कोई क्रोस इनके जीवन रेखा पर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनकी बीच में मृत्यु हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। हाँ, उनका कुछ समय थोड़ा खराब जाएगा, उस समय का थोड़ा परेशानी उनको झेलनी पड़ेगी। कहते हैं जब जीवन रेखा पर क्रोस बन जाता है तो समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाती हैं, बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन उनका निवारण कर लेते हैं। अगर गुरु पर्वत अच्छा है और अन्य रेखाएं अच्छी हैं तो उसका निवारण हो जाता है। अब हम जानेंगे हमारी जो सेकंड रेखा है, मस्तिष्क रेखा, हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, हमारे भाग्य को यही निर्धारित करती है। अब आप अपनी मस्तिष्क रेखा को चेक कीजिए कि आपकी मस्तिष्क रेखा कैसी है। मस्तिष्क रेखा कौन सी होती है तो वो हम आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं, उसमें आप चेक कर लें। मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के नीचे से निकलकर और आपके चंद्र पर्वत तक आ जाए तो आप एक कवि, मनोवैज्ञानिक और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हो। दो मुखी मस्तिष्क रेखा बताती है कि आप एक धनी होने वाले हैं, आपके विचार उत्तम रहेंगे, अपने मस्तिष्क को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए लगाएंगे, दूसरे का भला कैसा हो ये आप हमेशा सोचते रहेंगे। हृदय रेखा के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया और हम बताते हैं जो फर्स्ट रेखा होती है वो ऊपर हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा बुद्ध पर्वत से निकलकर सीधा गुरु पर्वत तक जाती है। हृदय रेखा के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन जो हृदय रेखा के बारे में कुछ बातें रह गई थी वो अब बता देते हैं। देखिए मित्रों, हृदय रेखा जिसकी गुरु पर्वत तक जाती है वो सहृदय, परोपकारी, आदर्शवान और एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होता है। हृदय रेखा दर्शाती है कि आपके मन के प्रभाव कैसे रहेंगे, दूसरों के प्रति आपका भाव कैसा रहेगा। और मस्तिष्क रेखा यदि सीधी गुरु पर्वत से निकलकर मणिबंध तक जाए तो ऐसे व्यक्ति काम करने से बचते हैं, थोड़ा निकम्मा टाइप होते हैं बोल सकते हैं, जिस कारण से उन्हें काफी कठिनाई उठानी पड़ती है, कठिनाई के साथ साथ अपने जीवन को जीते हैं। चलिए पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताते हैं। ये हमारी भाग्य रेखा होती है, भाग्य रेखा आप देखिए स्क्रीन पर। भाग्य रेखा जब सीधी शनि पर्वत तक जाए तो ऐसे में मालामाल कर देती है, व्यक्ति को काफी यश, सम्मान, वैभव दिलाती है। और यही रेखा यदि गुरु पर्वत तक जाए तो टीचर बना देती है, और यही रेखा सीधी सूर्य पर्वत तक जाए तो अधिकारी आपको बना देगी। मस्तिष्क रेखा सीधी अंगूठे के ऊपर से निकलकर शुक्र पर्वत की ओर आए, ऐसे व्यक्तियों को स्त्रियों से काफी मान और सम्मान मिलता है, काफी इज्जत उनको स्त्रियों की ओर से मिलती है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा पर कोई सफेद बिंदु है तो वो आपकी सफलता को दर्शाता है, वहीं पर काला बिंदु आपकी असफलता को दर्शाता है। मृतक का चिन्ह यानी गोल चिन्ह अगर आपके हाथ में है तो ये आपकी असफलता को दर्शाता है। लेकिन उसी के साथ साथ यदि सूर्य पर्वत पर एक मृतक का चिन्ह हो, मृतक का चिन्ह होता है गोल चिन्ह, वो आपकी सफलता को दर्शाता है, लेकिन वो आपके सूर्य पर्वत पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा आगे जाती हुई बीच से टूट जाए तो ऐसे लोग अनुशासन प्रिय नहीं होते, किसी भी नियम को मानने वाले नहीं होते हैं, इनके वचन भी असत्य होते हैं, ये झूठ बोलने वाले होते हैं, इनकी बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा आगे जाती हुई जंजीरदार हो जाए तो ऐसे व्यक्ति रोगिल होते हैं, मस्तिष्क रोग से परेशान होते हैं, आंतरिक द्वंद्व उनका चलता रहता है, अंदर अंदर अपने आप से लड़ते रहते हैं। यदि देखिए मस्तिष्क रेखा छोटी है, सीधा गुरु पर्वत से निकलकर वहीं पर रुक जाती है तो ऐसे व्यक्ति कम दिमाग के होते हैं, थोड़ा इनमें अल्प दिमाग कहा जा सकता है। मस्तिष्क रेखा सीधी गुरु पर्वत से निकलकर हस्त तल के लास्ट तक चली जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में सफल और विदेश यात्रा करने वाले,
साथ साथ उन्हें आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है और कई तरीके से वो धन कमाते हैं। एक तरीके से नहीं, अनेक प्रकार, अनेक जरिए उनके धन कमाने के होते हैं। ये कह सकते हैं कि उनका भाग्योदय विदेश में जाकर होता है। उन्हें विदेश से अधिक फायदा होता है, विदेश से अधिक लाभ होता है। मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत के आगे तक चली जाए तो ऐसे लोग कवि होने के साथ साथ इनमें विचार शक्ति काफी अच्छी होती है। ये ज्यादातर एकांत में रहना पसंद करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल काफी छोटा होता है। मस्तिष्क रेखा यदि मध्य में रुक जाए तो ऐसे लोग काफी लालची होते हैं। धन ही इनका ईश्वर हो जाता है। धन की ही ये पूजा करते हैं, धन के पीछे भागते हैं, जिस कारण से ये दुखी रहते हैं। देखिए मित्रों, हमें जीवन में धन के पीछे नहीं, ईश्वर के पीछे भागना चाहिए। हरि के साथ लक्ष्मी अपने आप आती हैं। देखिए, लक्ष्मी जी का वाहन होता है उल्लू। जब हमारे जीवन में लक्ष्मी आती है, हम लक्ष्मी के पीछे जाते हैं, तो हमारे साथ उल्लू भी आता है। उल्लू पर सवार होकर लक्ष्मी आती हैं, जिससे क्या होता है, हम उल्लू बन जाते हैं। हमारे पास पैसा तो आता है, लेकिन अगर हम नारायण को साथ बुलाते हैं तो नारायण जी गरुड़ पर बैठ के आते हैं। यदि आप भी किसी को अपने घर बुलाएंगे, कोई अपने रिश्तेदार को, तो जो महिला को किसी को बुलाएंगे तो अपनी स्कूटी से आएंगी। अगर आप उनके साथ साथ दोनों, अगर पूरे जोड़े को बुलाएंगे, परिवार को बुलाएंगे, तो वो अपने वाहन से आएंगे, पति के वाहन से आएंगे। जब कमलापति हमारे यहाँ आते हैं लक्ष्मी के साथ, तो वे अपने गरुड़ पर बैठ कर आते हैं। गरुड़ की बुद्धि काफ़ी तेज होती है, जो बुद्धि के साथ अपने धन का उपयोग करती है और हमें काफ़ी आगे तक ले जाती हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब्सक्राइब करें पामिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल को, ज्योतिष की वीडियो, हस्तरेखा की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बेल आइकन को करें प्रेस और लाइक के बटन को दबा दें।